हेलो भाई। सो इस वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे जो दो नंबर का जीसीडी फाइंड करेगा। जीसीडी मीन्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। सो चलिए देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। एक तरह से हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं एससीएफ, वो एक एससीएफ होता है। जैसे मतलब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास 10 और 20 दो नंबर हैं। 10 और 20, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम नंबर है जो दोनों नंबर को फुली डिवाइड कर दे रहा है? मैक्सिमम नंबर हम लोग देखेंगे वो कौन सा है? 10। ओके, 10 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। ओके, सो चलिए अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग दो नंबर जो है इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेते हैं n1, इसको इंट में टाइप कास्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट का यूज़ करेंगे। इनपुट फंक्शन का इनपुट इनपुट हम लोग लेंगे और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं इंटर नंबर फर्स्ट, इंटर नंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ से पहला नंबर जो है हम लोग इनपुट ले लेंगे। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर के लिए यही सेम लिखेंगे। यहाँ पे कोड यही कॉपी कर देते हैं, कोड कॉपी करके हम यहाँ पे n2 के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर यहाँ पे लिख देते हैं इंटर नंबर सेकेंड। ओके, सेकेंड, और यहाँ पे n2 ले लेते हैं। अगर n2 नहीं लेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, n1 और n2 की वैल्यू सेकेंड सेम ही आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n नाम का वेरिएबल लेते हैं, दोनों मैक्सिमम फाइंड करते हैं। मैक्स मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। मैक्स फंक्शन क्या करता है, दो नंबर अगर नंबर इसके अंदर पास करेंगे तो उसमें सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फाइंड करते हैं। ओके, मैक्सिमम से भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग सिंपल कोड को सिंपल बनाने के लिए मिनिमम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे n1 और n2 पास कर देते हैं इसके अंदर, और m में जो आएगा मैक्सिमम आएगा। ओके, मिनिमम आएगा जो रहेगा। उसके बाद हम लोग while लूप लगाते हैं, while m नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, 1 नहीं 0 लिख देते हैं। 0 अगर 0 से डिवीजर डिवाइड करेंगे तो वही होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 लिखने से क्या होगा कि 1 तक जब वैल्यू पहुँचेगी m तो वहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 तो 1 डिवीजर आ जाएगा। ओके, 1 एक ऐसा नंबर है जो जो सब नंबर हर एक नंबर को डिवाइड करते हैं, ये तो हमें पता ही होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ n1% m इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या किए हम यहाँ पे, अब समझिएगा बात, बात समझिएगा। हम लोग चेक कर रहे हैं जो मिनिमम वैल्यू, अब देखिए दो नंबर है तो ऐसा नहीं ना कि जो मैक्सिमम नंबर है वही वो भी डिवाइड कर देगा मिनिमम को। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मिनिमम होगा वही डिविजन होगा। इसलिए हम लोग मिनिमम हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहले मान लेंगे, ज्यूम कर लेंगे मिनिमम जो वैल्यू होगी वही डिवाइड करेगी। और यहाँ पे एंड कंडीशन लगा देते हैं, एंड, और यहाँ पे लिखते हैं n2% m इज इक्वल्स टू 0। ओके, और अगर जब ये कंडीशन चलती है, जब ये डिवाइड करता है, तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एल्स में क्या करेंगे, एल्स एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एम इज इक्वल्स टू m-1। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हम लोग प्रिंट कराएंगे m को। अब जो m की वैल्यू आएगी वही जीसीडी हमारी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जीसीडी जीसीडी, और इसे हम लोग एससीएफ भी बोलते हैं, एससीएफ इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे m को हम लोग प्रिंट करा देंगे, स्मॉल m है इसलिए m को प्रिंट कराएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेव किए हैं, अब इसे हम लोग जी सी डी नाम से सेव करते थे, .py नाम से। ओके, .py मैंडेटरी होता है। अब यहाँ सेव कर दिए हैं, ऑलरेडी है तो हम लोग यहाँ पे उसे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या पूछा, इंटर नंबर 1, नंबर 1 हम 10 डाल देते हैं, नंबर 2 हम 20। यहाँ पे देखिए जी सी डी आर एस सी अब 10 आ गया। ओके, 10 ही होगा। अब दोबारा एक नंबर से और चेक कर लेते हैं जिसे क्रॉस चेक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर चेक करते हैं 6 और 9, यहाँ पे नंबर 6 डालते और 9। ओके,
चेक करते हैं, जो जी सी डी आया देखिए यहाँ पे 3 आया। ओके 3 ऐसा नंबर है मैक्सिमम जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।